नमस्कार सर, आपका एस आई इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें यहाँ बुलाया। हम आपसे पहला प्रश्न तो ये कि आप पिछले 21 वर्षों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 21 वर्षों से आप बहुत ज़्यादा मनोरंजित करते आ रहे हैं दर्शकों को, और आज ये जो ITI अवार्ड है ये एक मिसाल बन चुका है। जैसे फिल्म जगत के जितने भी सितारे हैं उनके लिए तो आए दिन बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन टेलीविज़न वालों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने ये जो मुहिम चलाई, आज ये इस कदर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये अवार्ड के बिना अपने आप को टेलीविज़न के जितने भी सितारे हैं वो अधूरा समझते हैं। सी, दो रीज़न है। एक तो कि हम लोग पहले लोग थे तो उसकी एक एडवांटेज थी, हमको एडवांटेज भी थी और हमारा आई थिंक साहस भी था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिससे भी हमने बात की उन्होंने यही कहा कि भाई फिल्म फेयर या आईफा वगैरह तो नहीं था उस वक्त, कि इसके सामने जहाँ इतने बड़े बड़े सितारे आते हैं तुम्हारे छोटे छोटे लोगों को देखने के लिए कौन आएगा। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास था कि टेलीविज़न जो है अपने आप में इतना बड़ा होने वाला है कि वो शायद सिनेमा को भी पीछे छोड़ देगा, जो अब सही हुआ। लेकिन 22 साल पहले एक बड़ा टफ डिसीजन था और हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी लोगों को भी समझाने की, लेकिन लकीली हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हम पे विश्वास किया और कहा कि आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। फिर दूसरी बात इम्पॉर्टेंट थी कि अवार्ड आज 22 साल तक क्यों है। बहुत सारे और लोगों ने भी ट्राई किया बीच में, कुछ बड़े नाम भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं जो उस वक्त बहुत बड़े माने जाते थे, उन्होंने भी कोशिश की कि ये अवार्ड, क्योंकि हम इतने प्रोग्राम बनाते हैं तो हम भी अवार्ड बना दे सकते हैं, हमारे पास तो सभी आर्टिस्ट आते हैं। लेकिन ये इवेंट नहीं है, मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे लिए एक पैशन प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी आस्था है और इसमें निष्ठा है हमारी, और हम कोशिश करते हैं कि ये निष्पक्ष प्लेटफॉर्म रहे, इस पर प्रभाव ना हो। प्रभाव आते हैं, अभी भी आते हैं हमारे पास, चैनल से आते हैं, लोगों के आते हैं, हमारे अपने ताल्लुकात भी बहुत हैं क्योंकि हम सबसे बहुत पर्सनली जुड़े हुए हैं टेलीविज़न में। लेकिन हमने ये फैसला किया कि अगर ये सरवाइव करेगा तो सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर लोगों को आके ये महसूस हो कि नहीं, मुझे ये अवार्ड लेते हुए खुशी हो रही है। ये नहीं कि मैंने ठीक है ले लिया, मिल गया, ख़रीद लिया, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। आ जाते हैं लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, सबको अपना वाई वाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन अंदर कहीं आपको मालूम होता है कि यार यहाँ पे जिस तरह से ये समूह उमड़ के आता है, लोग आते हैं, वो अपने आप में मुझे बहुत खुशी देता है, वो बहुत रेयर आपको दिखाई देता है। और ये चीज़ जो है वो बनाई नहीं जा सकती है, ये इन या तो होती है या नहीं होती है, वो मैजिक जो है ना एक फंक्शन में। सर, ये 21 साल पहले जब आपने ये सोचा कि आईटी के लिए ये हम शो चालू करें, अवार्ड शो, तो आपको किसकी सोच पहले आई कि लाइक ये करना है, किसको देख के आपको ये चीज आई? ये आई थिंक अन्नू ने शायद, पता नहीं बताया कि नहीं आपको, ये अन्नू का विचार था। छोटा सा किस्सा हुआ कि मैं, अन्नू, मीना गुप्ता और शायद एक आध कोई और हमारे दोस्त यार थे, हम एक अवार्ड फंक्शन में गए और नीना गुप्ता उस टाइम कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री नहीं थी, छोटे छोटे रोल करती थी, लेकिन अन्नू की बहुत अच्छी मित्र थी। तो वहाँ गए तो चूँकि हम हमें फिल्म वाले जानते थे, मैं फिल्मों में जुड़ा हुआ हूँ, तो हमको बोले आप आगे आइए। और टेलीविज़न में बोला आपके लिए टेलीविज़न वाले पीछे हैं, उधर आप बैठो उधर, तो 6-7 रो पीछे टेलीविज़न के लोग बैठे थे, 15-20 ऐसे ही बुलाए जाते थे जो उनके दोस्त। अन्नू फेल्ट वेरी 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 बैड एंड शी वेंट एंड सैट विद देम, और रात को उसने मुझे आके बोला कि ये तो बहुत गलत बात है, कि ये कोई अछूत थोड़ी है कि 6 लोग पीछे ये बैठेंगे बाकी फिल्म वाले आगे, टेलीविज़न अपने आप में एक चीज़ है जो होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, बात आई गई हुई, बट वो अन्नू के दिमाग में वो थाट चलता रहा, एंड देन शी केम अप विद दिस आइडिया, एंड देन आई रियलाइज दैट या शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो आई डिस्कस्ड इट विद फ्यू ऑफ माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स, महेश भट्ट से बात की मैंने, रजत शर्मा से बात की, शत्रुघ्न सिन्हा से बात की, और सब ने कहा कि बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, अगर आप इसे कर सकते हैं, हिम्मत चाहिए आपको। मैंने कहा हिम्मत चाहिए, आप लोग सारे गवर्निंग बोर्ड पर मेंबर हैं, और हमने गवर्निंग बोर्ड बनाया जिससे बड़ा गवर्निंग बोर्ड है नहीं,
रवि चोपड़ा थे, उसमें शेखर सुमन थे, रजत शर्मा थे, मनोन शेट्टी थे, यू नेम, सब लोगों ने कहा कि ब्रिलियंट आइडिया है। 12 लोग ऐसे मेरे गवर्निंग काउंसिल। उसके बाद में पीटर मुखर्जी हमारे जो उस वक्त स्टार के CEO होते थे, सो उनके पास हम गए और हमने कहा ऐसे ऐसे हमारे को ये कुछ करना है, आपका क्या विचार है? दे सेड ब्रिलियंट, इंडिया नीड्स एन अकेडमी लाइक योर्स, आई एम विथ यू। आई टॉक टू करण कुणाल दास गुप्ता हु वाज सोनीज हेड, राज नायक, ऑल द हेड्स एंड एवरीबडी, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। देन आई वेंट टू सुषमा स्वराज हु वाज द IMB मिनिस्टर दैट टाइम। तो मैंने कहा बहन जी ऐसे ऐसे हम करना जा रहे हैं, उन्होंने कहा इसकी इनाग्रेशन के लिए मैं आऊँगी, एंड शी इनाग्रेटेड इट। मिस्टर देशमुख हु वाज द चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उन्होंने एक इवेंट में चीफ गेस्ट रह के इसकी शुरुआत की, एंड सुषमा स्वराज केम फॉर द फर्स्ट अवार्ड एज अ चीफ गेस्ट। सो दैट गेव अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड देन हीरो होंडा, मिस्टर मुंजाल, पवन जी स्टूड लाइक अ रॉक। ही सेज दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, एंड ही पुट हिज मनी वेयर द माउथ वाज। मतलब ऐसा ही नहीं कि चलिए हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, ही बैक्ड अस अप। सो आई थिंक दैट गेव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से कि अगर इतने लोग इस प्रोजेक्ट में विश्वास रख रहे हैं तो हमें भी, और जो टेलीविजन थी वो तो एकदम गदगद हो गई, क्योंकि जिन लोगों को सातवें रोल में बैठने के लिए कोई बुलाता नहीं था, वो लोग अब अपना प्लेटफॉर्म है। और आज तक दूसरी खास बात ITA की है कि ITA के अंदर बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर सब लोग आ चुके हैं, लेकिन हम हमारे सिर्फ टेलीविजन के एक्टरों को परफॉर्म करवाते हैं। हम ये नहीं कि हम शाहरुख खान का, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट किया है। आप आके उनको अवार्ड दीजिए, आप आके उनको देखिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है इसके ऊपर मुझे प्रेशर नहीं आया है, या मुझे भी कई बार ऐसा नहीं लगा कि अरे हाँ अच्छा लगेगा फलाने स्टार को बुला लो, फलाना ले लेते हैं कुछ और। आई सेड नो, अगर ये बनेगा तो सिर्फ इन्हीं के दम पे बनेगा, और वही आज बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज ITA अवार्ड फिल्म फेयर और IFA दोनों से ज्यादा TRP लेता आ रहा है, आज से नहीं कई सालों से। तो सर 21 साल बाद इसमें क्या इसमें अलग दिखाने वाले हो आप इस ITA अवार्ड शो में? हर बार नए तरह के कलाकार होते हैं, उनके तरह नई चीजें पैदा होती हैं। इस बार हमारा ये 75वां आज़ादी का महोत्सव भी चल रहा है, तो हमने विभिन्न क्षेत्रों के कुछ कलाकार जैसे हरियाणा से सपना चौधरी, भोजपुरी के कुछ स्टार, महाराष्ट्र के लावणी के कुछ, उनको भी हमने इसके अंदर एंटरटेनमेंट में इस बार शामिल किया है, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि ये हमारे हम पूरे देश की बात करें, टेलीविज़न जो है पूरे देश का है। सर मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, और मेरा एक आखिरी प्रश्न है, इसी में अपनी और भी बातें सम्मिलित कर देता हूँ। जी जैसे आपने पिछले मेरे प्रश्न में जवाब दिया IFA का, जी, और भी काफ़ी विभिन्न प्रकार के बड़े अवार्ड हैं, और आपने बोला काफ़ी अवार्ड बीच में आए और चले गए, तो नहीं मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं टेलीविजन अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बीच में इसमें इस क्राइटेरिया में घुसने के लिए, अवार्ड आपको अगर मालूम हो तो 2-3 लोग अवार्ड्स बीच में आए थे, आज नहीं है। तो पिछले 21 साल पहले जो आपने स्टार्ट किया था, तब से लेके जो स्ट्रेटजीज रही हैं कि दर्शक बढ़ते ही जा रहे हैं, उत्सुकता बढ़ती जा रही है इसके प्रति, तो इसमें अहम भूमिका सबसे ज्यादा किसकी रहती है? अनु जी की रहती है, शशि जी की रहती है? इनमें सबकी भूमिका है, मेरे साथ जो काम करते हैं इनकी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि हम जो है इवेंट के लिए 6 महीने पहले काम शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम, मतलब अगर दिसंबर में है तो हमने कहीं मई जून में ये काम शुरू किया था। हर चीज़ को हम पर्सनली सुपरवाइज करते हैं, पर्सनली देखते हैं, हमारा संपर्क भी पर्सनल है, सब चीज़ पर्सनल है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जरा लिस्ट देखिए कि किस तरह के जूरी के मेंबर हैं, आपको ऐसे फिल्म अवार्ड की जूरी नहीं मिलेगी कभी। यू नेम अ बिग मैन इन दिस कंट्री, नेम एन वन बिग मैन हु इज नॉट कम टू ITA और बी ए पार्ट ऑफ द ज्यूरी और सम प्रोसेस। तो सर आपका ये डेट कभी है ITA अवार्ड शो का? ITA जो है 1 जनवरी 2023 को टेलीकास्ट होगा स्टार पे, और अच्छा दिन है, नए साल में एक नई शुरुआत, और बहुत एंटरटेनमिंग भी होगा, और
भव्य भी होगा। तो सर ये मुंबई में होगा या फिर कहीं और? ये फिल्म सिटी के अंदर इसका सेट लगेगा और वहीं पे आयोजित होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा आज आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार से टीवी जगत के जितने भी सितारे हैं उनको उनकी प्रेरणा बने रहें, उनको प्रोत्साहित करते रहें इसी प्रकार के अवार्ड। इसके अलावा भी अवार्ड तो एक हमारा चलिए शीर्ष का है, लेकिन हम वर्कशॉप्स करते हैं। हम पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि TRP को समझना चाहिए। सब बोलते हैं TRP क्या है, क्या चीज़ TRP है? इसके लिए हमने एक पूरा 2 दिन का सेमिनार किया। अंबिका सोनी जब INB मिनिस्टर थी, हम उनकी रिक्वेस्ट पे हमने पूरी इंडस्ट्री को, सारे CEOs, सारे इनके मार्केटिंग वालों को इकट्ठा करके दिल्ली के अंदर एक सेमिनार किया। तो हम कोशिश करते हैं कि टेलीविज़न के विकास के लिए या उसको समझने के लिए या उसे बेहतर करने के लिए अगर कोई भी चीज़ करनी हो तो IT हमेशा उसके लिए करता है। हम पहले लोग थे जो अपना मैगजीन लिखे है, टेलीविज़न के अंदर मैगजीन ही नहीं था कोई। हम वी वर द फर्स्ट पीपल हु ब्रॉट अ मैगजीन हु वाज एज ग्लॉसी एज एनी फिल्म मैगजीन।